तो कौन रहेगा? या कुछ ब्लैकेट आ जा। आरसीबी का आखिरी मैच, पावर हिटर्स का आखिरी मैच है। हमारे डीजे जो है पावर्स को इनकरेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि फैजल तेरा खून कब खोलेगा। बॉलर कौन डाल रहा है? चलो खेलो जल्दी, क्यों रुके क्यों? मैच स्टार्ट किया जाए जल्द से जल्द। सोलो 11 के ओनर बॉलिंग करते हुए सेकेंड लास्ट गेम ऑफ द लीग। पहली गेंद नो बॉल और ये एक रन फ्री हिट। नो प्लस वन रन ना, और ये पहली लीगल गेंद। एक गेंदों पर दो रन, दूसरी गेंद पर शानदार शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग और ये कैच और अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए प्रभात राजपूत। नो गेंद, नो बॉल, नो बॉल। सुनना ये साइड की भी नो टच। ये भाई चिल्ला के बोलो। बहुत ही अच्छा स्ट्रेट ड्राइव चार रन के लिए। जिम्बाब्वे से कैप्टन एम्पायर मंगाया है हमने सूरी। बार बार तीन बॉल पे 13 रन। और बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही उम्दा बैट्समैन को बॉल डाल रहे हैं। थंडर टाइटंस के ओनर बहुत ही उत्सुकता में। नो गेम, कृपया एम्पायर से आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाए। और कैप्टन कुछ कहते हुए अपनी टीम को, लेकिन कैप्टन वो नहीं है। वाइड गेम फ्रॉम एम्पायर स्टीव बर्गनर। चुटकी बॉल है और ये इन्होंने बॉल ही नहीं कलेक्ट किया और स्टंप गिरा दिया। सेम धोनी की तरह, सेम धोनी की तरह कैच ने इमेजिनरी बॉल पकड़ के स्टंपिंग किया। 18 18 18 18 टोटल एक मिनट, एक ओवर 18 रन। अब्दुल मैं बता दूं तुम्हारी आवाज माइक से ऊंची नहीं हो सकती, तो कृपया चिल्लाए नहीं, तान ले जाते मत। और ये नो बॉल, लेग अंपायर का डिसीजन, नो बॉल पे सिक्स। मुझे अफसोस होता है मोइस, ये जो गेंदबाज है, ये जो गेंदबाज है हगना मुतना सब यही करते हैं, फिर भी इतना रन खाते हैं। ये इस टीपीएल में 30 रुपीज में गए थे, बहुत ही सस्ते प्लेयर। बैट्समैन को रनर चाहिए हाफ गए, लेकिन फिर आपको बॉलिंग नहीं डालने मिलेगा, चलेगा आपको? दिस इज द रूल्स ऑफ टीपीएल, यू वोंट बी एबल टू बॉल इफ यू आर कीपिंग अ रनर। दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, फ्लैट सिक्स फ्रॉम अ पीप।
It's a wide ball. He's a good bowler, but not getting his line and length properly. That's a nice ball, a dot ball, a rare dead dot ball from Cap. And making it a full toss, beautiful four. Using the ground dimension properly from Afif. It's a cut and a well try, and the player is out of this ground. One ball to go. Team ka badhta hua score 43 runs. आखिरी गेम और एक कैच और बहुत ही अच्छा कैच सेकेंड अटेम्प्ट में सोहेल मेमन हमारे साथ बाबा जी बैठे हैं जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं जुबेर नहीं नहीं जोए हमारे लीडिंग रन स्कोरर आए हैं पिच पे स्ट्राइक पे ओके ओवर चेंज हो गया है तो वो नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे जोएब प्रभात पहली ओवर डालने के बाद तीसरी ओवर पेसर डाल रहे हैं और बोल्ड बहुत ही बड़ा विकेट प्रभात जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ पहली मैच से सोलो प्लेयर है वो अपनी टीम के कैप्टन ओनर फील्डर कीपर बैट्समैन सब अकेले करते हैं और बहुत ही अच्छा विकेट लिया प्रभात राजपूत नेक्स्ट बैट्समैन मिस्टर नई द ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ टीपीएल 53 इयर्स ऑफ एज एंड स्टिल प्लेइंग क्रिकेट इधर रहेगा तो कैसे बैटिंग मिलेगी नजर ही नहीं आ रहे तुम फिर नहीं जो कि बैट गुड प्लेयर मैंने मेरे नाना से सुना है कि जो स्ट्राइक पे बैट्समैन है बहुत ही अच्छा खेलता था किसी जमाने में नाना से देखते हैं मेरे नाना किस हद तक सही थे वैसे बता दूं मेरे नाना के दोस्त थे चट्टी पट्टी सिर्फ बैक फुट पे जाएंगे ये बैट्समैन एक मिनट स्कोर बोर्ड इज हैंग ओके वी आर रेडी नाउ प्रभात राजपूत सबको बिठा दीजिए आप अकेले करिए सब बहुत ही अच्छी बॉलिंग प्रभात डायरेक्ट थ्रो था लेकिन नईम क्रीज के अंदर ही क्योंकि वो बैक फुट पे खेलते हैं तो पैर पीछे ही था उनका तीन बॉल थ्री बॉल जीरो रन दिए प्रभात अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छा ओवर डालते हुए चार गेंदों में थ्री विकेट रन दिया है उन्होंने बहुत ही क्रूशियल मैच पावर हिटर्स के लिए नो बॉल अगर उन्हें ये लीग में बरकरार रहना है तो ये मैच जीतना उनके लिए बहुत ही जरूरी अंपायर डिसीजन नो बॉल अंपायर प्लीज टेक अ कॉल इमीडिएटली अंपायर आर्ग्यू मत करे डिसीजन देके हट जाए अगर तुम लोगों का डिस्कशन हो गया है तो छह रन ना अभी और ये नो बॉल पे से
चार बॉल, एक दो तीन, तीन बॉल ना, तीन ही बॉल। अरे देखो चार बॉल और ये फिर से सिंगल आया था। और ये चुपके से कौन है बॉल फेंकते हुए अपने स्कोर कितना हुआ? स्कोर 59 है। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 59 तीन ओवर की समाप्ति पर। चौथा ओवर अपने कैप्टन पावर्स के खुद बॉलिंग डालेंगे। चौथा ओवर इसके पहली वाली मैच में इनको 36 रन पड़े थे, 6 बॉल 6 सिक्स पड़ा था इनको। देखते हैं बैच बैट्समैन इनको मार पाते हैं क्या। लेफ्ट आर्म ओवर 6 टू गो, कैश टू जोए। जोए पीपीएल 7 में अलग ही फॉर्म में। बहुत ही अच्छा शॉट और ये डायरेक्ट कैच। प्रभात ये सिंपल कैच तो छोड़ेंगे। बॉलिंग भी अच्छी करके आए और ये कैच भी सोलो बॉय, जैसे कि मैंने आपको पहली मैच से कहा है। और हमारे बीच फिरोज आते हुए यहाँ पर, जो कि बहुत रोए थे इन करूं या आउट करूं, इन करूं या आउट करूं। 14 को मैं जिम में काम है। मेरे ख्याल से इनका जिम मार्वे क्वीन के सामने वाले ग्राउंड में शिफ्ट हो गया। और ये मास और ये कैश की पहली बॉल, ओ व्हाट अ हिट। और ये अंपायर का आपने वो सीजन बुरा का वीडियो देखा होगा। यश 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 नॉन स्ट्राइकर फरहाद। और ये 6 रन। दो मिनट का हॉल्ट यहाँ पर। दीदी को स्कोरिंग में कुछ प्रॉब्लम आया है। चलिए वी आर रेडी टू गो। पीपीएल 7 स्पॉन्सर्ड बाय यूनिटी हाउस प्रोडक्शन। बहुत ही अच्छा शॉट। और महबूब आप क्या कहना चाहते हो पावर हीटर्स के बारे में? व्हाट डू यू थिंक, आर दे गोइंग टू क्वालिफाई दिस टाइम? आई एम स्टिल ऑन माय वर्ड्स, दे आर आरसीबी। आरसीबी की वाइब दे रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। उन्होंने साबित किया है बैटिंग काफी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में इतना खास उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम नईम महबूब। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? As Mohit rightly said, single player, man of the match, man of the tournament बन सकता है, लेकिन जिता नहीं सकता है। और वही इनके साथ
पिछले सीजन भी हुआ है, इस सीजन भी होता दिख रहा है। और ये पहली बॉल फरहाद ने फुल टॉस आगे बढ़ के 6 रन। बॉलिंग से और ये बड़े मैच के प्लेयर फरहाद, बहुत ही अच्छा शॉट और फिर से कैच, कैच ड्रॉप। प्रभात जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन उनके भी हाथ से एक कैच ड्रॉप होते हुए और ये टैप मारते हुए। और ये मेरे नाना के दोस्त, अंपायर से कैश कैश, अंपायर से पूछो, बाहर का डिसीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा। तीन बॉल अंपायर डिसीजन फेयर डिलीवरी। और ये सोहेल की 5वीं गेंद, बहुत ही अच्छी बॉलिंग सोहेल द्वारा, सोहेल टू फरहाद लास्ट बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट और ये कैच, सीधा कैच, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। पावर हिटर है इसको, लास्ट ओवर में कितना रन आया था, 10 रन आया था। बॉल बॉल चल सिंगल लेके टाइम पे जा रहा था नहीं रे, अरे मैच है। आई थिंक पावर हिटर को ये एक आखिरी मौका दिया है टाइगर्स ने, तीन ओवर में खत्म करेंगे तो शांत है। पावर हिटर्स के प्लेयर काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उनका मानना ये है कि 3 ओवर में मैच खत्म कर सकते हैं। बोलो भाई से मैचिंग का बदला ले सकते हैं, नहीं कौन नहीं रहे, अरे तो क्या हो गया, घर पे सुन रहे थे, घर वालों को मालूम है कि मेरा बच्चा सही है। गाइस एक मिनट का ब्रेक है, आप लोग स्ट्रैटेजी बना के दूसरा इनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थंडर टाइटन और रॉयल टाइटन के कैप्टन कैमरा के पास आ जाए टॉस के लिए, करण एंड विकास टॉस के लिए आ जाए। हमारे मैच ऑफिशियल जुबेर भाई, मैं हूँ ना, एक मैच तो भाई, एक तो नहीं मैं को उठा लूँगा, मैं तो उठाऊंगा। करण एंड विकास प्लीज कैमरा के पास आ जाए टॉस के लिए। हमारे अगले टॉस के मैच रेफरी जुबेर भाई, फोन किसका फोन, मोहित सर रिक्वेस्ट टॉस कर लो। नेक्स्ट मैच थंडर टाइटन्स एंड रॉयल टाइटन्स एंड मैच रेफरी Zubair is going to flip the coin. Who is going to call? Royal Titans captain. It is tails and Thunder Titans win the toss. They are going to bat first. I would like to hear a few words from Karan. Why is he thinking that batting first? ग्राउंड में ड्यू फैक्टर है, इसीलिए हमारे कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो पहले बैट करेंगे। पिच में उछाल नहीं आता है सेकंड इनिंग में, और ये सेकंड इनिंग अफीज की पहली बॉल, और ये नो बॉल लेग अंपायर का इशारा, बॉल डायरेक्ट स्टंप के बाहर,
नो बॉल। और ये फ्री हिट पे मारा सिक्सर प्रभात, पहली बैटिंग करते हुए। मोहित आप कुछ बोलना चाहोगे? अगर प्रभात नहीं आउट होएंगे तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है वो मैच जिता के लेके जाएंगे। और ये बहुत ही बड़ी मिडफील्डिंग ऑरेंज कैप द्वारा जो थर्ड बॉल और ये कैच, बहुत ही डिफिकल्ट कैच था लेकिन उनके बड़े बड़े हाथ है जिशान के तो पकड़ सकते थे। हमारे बीच फिरोज, और ये कैफ, कैफ अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे जबकि वो दिन भर ये ग्राउंड में रहते हैं, उनका होम ग्राउंड है ये। जैसे कि मैंने आपको बोला महबूब, अगर प्रभात नहीं आउट सभी प्लेयर्स ग्राउंड के बाहर चले जाइए प्लीज। आप लोगों से गुजारिश है जुबेर या बॉब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट प्रभात आप लोग प्लीज बाहर चले जाइए। यूसुफ, करण इधर नहीं, उधर सब जिसकी भी बैटिंग आएगी वहां से एंट्री करेंगे। हां यहां से निकल जा बॉब जल्दी। और हमारे एम्पायर अली अंसारी, स्टीव बगनर भी कहते हैं हम उनके, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, 4 बॉल 13 रन, 2-2 गो। कमेंटेटर सुबह से एक ही वर्ड बोल रहे, बढ़ता हुआ रन, बढ़ता हुआ रन, कुछ नया नहीं मिल रहा है। और ये फिर से छोटी गेंद और 6 रन। और ये फिर से छोटी गेंद और 6 रन, तो 1 रन मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक नए ऑरेंज कैप होल्डर है प्रभात राजपूत। इस इनिंग के बाद उनको कैप प्रेजेंट किया जाएगा। ऑडियंस से मेरी गुजारिश है अगर किसी को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है तो ताली बजाइए। न्यू ऑरेंज कैप होल्डर none other than Prabhat Rajput, one of the best players of TPL. Keeper change na? On fielding change. Ole pakad pakad pakad. Maz. Kafi speed se ball aayi unki taraf, judge nahi kar paaye. But kafi achhi fielding ki. Aur ye umpire decision, white ball. Hamare kafi senior umpire hai. Ball ka naam kya? और ये डिसीजन में कंफ्यूजन। प्लेयर्स आपस में लड़े नहीं, अंपायर्स के डिसीजन का पहले वेट करें। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी प्लेयर, नो बॉल, नहीं नो नहीं था, ओके सॉरी सॉरी।
अगर प्रभात स्ट्राइक पे रहे जब कोई चालू कर रहा है ना तो ही बंद हो जा रहा है मालूम है मेरे घर वाले भी चालू किए बोले बंद हो गया अरे स्पीड को ना कुछ भी बैठ गए फिर तो यार तो अभी लग नहीं रहा है भाई लेकिन लग रहा है लाग लग रहा है उधर मत रखने दे यार किसी को यहां से जाते आते वही जा भी आ रहे यार लेगिट चेंज बोल को लेगिट कीपर चेंज आ लेगिट चेंज बोलने बोला भाई उसने लेगिट कीपर हमारे घर मनीष हेलो 12:39 प्रभात ऑन स्ट्राइक जिशान हाँ मैंने वाइज बार चेंज कर दी थी ठीक है चलो ना और ये प्रभात रन नहीं भाग पाए देखते हैं ये क्रूशियल मैच है बहुत दूसरी गेंद जिशान की और ये हाथ पे लग के छे शायद हाथ नहीं लग समय लेंगे रिकवर करने के लिए मेडिकल असिस्टेंस अगर चाहिए तो आप सिर्फ अपना राइट हैंड ऊपर करें हमारे अंपायर कम फिजियो कम डॉक्टर कम अली जो कि हमारे मेडिकल टीम से कंकशन टेस्ट कर रहे हैं उनका नाम पूछ लीजिए एक दो तीन ऐसा पूछ लीजिए अली और हमारे बीच दस बॉल पे 33 रन प्रभात लाइट चेक कर होते का टाइगर्स को बॉलर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज उनके आई थिंक उनके बॉलर वापस आ रहे हैं कैमरामैन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड फोकस ऑन बॉलर काफी अच्छा उन्होंने करेज दिखाया है और ये लाइव टेस्ट उनका चल रहा है फोकस फोकस हमारे हमारे अंपायर कम फिजियो उन्होंने कंफर्मेशन दिया है वी आर गुड टू गो 10 बॉल 33 रन रिक्वायर्ड प्रभात ऑन स्ट्राइक एंड ही हिट्स इट फॉर अ सिक्स बहुत ही बढ़िया शॉट चार प्लेयर या को आपस में डिस्कस करके डिसीजन दो अंपायर्स अली भाई यू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट याकूब और ये अंपायर डिसीजन डेड बॉल नौ पे 27 प्रभात ऑन स्ट्राइक और ये बहुत ही शानदार बैटिंग
हिट एंड मिस फ्रॉम प्रभात, ये बॉल भी अगर वो कनेक्ट करते बहुत ही अच्छा शॉट और कैच, बहुत ही शानदार कैच। कनेक्ट करते बॉलर को, छह बॉल पे 22 रन चाहिए। छह बॉल पे 21 रन चाहिए पावर्स को उनका पहला मैच जीतने के लिए। आखिरी मौका है उनके पास, काफी क्लोज आए। अगर यहाँ से हारते हैं तो बहुत निराश हो गए कैप्टन। और इनके ओनर, पावर हिटर्स के ओनर प्रभात राजपूत, ऑक्शन में 130 रुपए बचाए अपने लिए। हेलो, बहुत ही प्यारा शॉट मदर द्वारा। आखिरी ओवर, बहुत ही रोमांचक मैच। आज अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार अंडर प्रेशर बॉलिंग डालते हुए। और यहाँ पर हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या जैसे कैच मेमन, सोहेल मेमन ग्राउंड पे, देखते हैं क्या कर पाते हैं। 3 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत। पावर हिटर यहाँ पे एक सिक्स एक फोर भी मार सकते हैं। 9 रन ही चाहिए 2 बॉल पे। बॉलर फुल कॉन्फिडेंट में, 2 बॉल 9 रन रिक्वायर्ड। सोहेल ऑन स्ट्राइक और ये 6 रन। बॉलर ने जो कॉन्फिडेंट, 2 बॉल 9 रन रिक्वायर्ड। सोहेल ऑन स्ट्राइक